सर्कुलर मोशन में कल हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे थे और एक क्वेश्चन जाते जाते दिया था कि अगर सेंटर के रेस्पेक्ट में किसी बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो तो सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. आंसर आएगा थीटा बाय टू. तो कल T20 का टाइम हो गया था इसलिए हमने आगे डिस्कस नहीं किया, आज करते हैं. तो कल हमारा ये क्वेश्चन था कि अगर हम सेंटर के रेस्पेक्ट में किसी बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा लें, बॉडी यहां से यहां पहुंची तो सेंटर के रेस्पेक्ट में ये है, तो सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या होगा. तो अगर मैं ये वाला पॉइंट लू तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है. ये बात मैं कल भी बोलकर गया था तो एक बार दिखा दू कैसे. बेटा इसके रेस्पेक्ट में ये एंगल थीटा है, इसके रेस्पेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा अल्फा. इसके रेस्पेक्ट में पहले बॉडी यहां थी, पोजीशन वेक्टर ये हो गया, फिर बॉडी यहां पहुंची, हो गया तो पोजीशन वेक्टर ने कितना टर्न किया अल्फा. अल्फा थीटा बाई टू होगा, ये इजीली प्रूव हो जाएगा. सर्किट की प्रॉपर्टी होती है कॉर्ड दोनों रेडियस से इक्वल एंगल बनाता है और दो इंटरनल एंगल का सम एक्सटेरियर एंगल होता है. तो अल्फा प्लस अल्फा, ये लो आंसर आ गया. तो अगर हम पॉइंट वहां लेते हैं तो थोड़ा सा ज्योमेट्री इजी हो जाती है. लेकिन कल मैंने दूसरा डायग्राम बनाया था. अगर हम पॉइंट को यहां लें तो इसके रेस्पेक्ट में इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये होगा और फाइनल पोजीशन वेक्टर ये होगा. ये एंगल मुझे अल्फा निकालना है इन टर्म्स ऑफ ये वाला एंगल थीटा. ये ज्योमेट्री, ये डायग्राम कल मैं बनाकर गया था. तो अब बताइए इससे कैसे करेंगे हम. आना वही है, इसको इससे
ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा कहां से प्रूव हो गया? दिखाओ लंबा हो जाएगा। इसको अगर मैं बीटा लिख दूं, ये टोटल अल्फा प्लस बीटा कॉर्ड हमेशा रेडियस के साथ इक्वल एंगल बनाती है, तो ये एंगल अल्फा प्लस बीटा होगा। अब ये एंगल अगर बीटा है और ये वाला भी एक कॉर्ड है तो ये एंगल भी बीटा होगा। थोड़ा सा लेंथी भी होगा और डायग्राम भी मेरे को लग रहा है छोटा। ये अल्फा है और ये अल्फा प्लस बीटा है, तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं। एक मिनट, और अगर ये एंगल निकाल सकते हैं ये इसके इक्वल होगा। बस इन दोनों को इक्वल करते ही आंसर आ जाना चाहिए। ये थीटा है, ये एंगल कितना? 180 माइनस थीटा माइनस बीटा एंड दिस इज इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों का सम माइनस 2 अल्फा माइनस बीटा। बच्चों अब लिखो एंगुलर वेलोसिटी। इसमें टाइम लगा दिया, कल का डिस्कशन था। एंगुलर वेलोसिटी देखिए, हम देख चुके सर्कुलर मोशन के लिए, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए सर्कुलर मोशन जरूरी नहीं है। कहीं भी हम थीटा को डिफाइन कर सकते हैं। और एक सेकंड में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजिशन। थोड़ी स्मार्ट लैंग्वेज लिखे तो ये है, देखो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजिशन, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजिशन ऑफ एनी बॉडी
with respect to any fixed point. With respect to any fixed point, full stop, बस. और दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. बेटा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है डी थीटा बाय डी टी. हाँ, अगर डिफ्रेंशिएट ना कर पाए तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम अगर हम लिखें तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं आएगी, वो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आएगा. एवरेज निकालना है तो टोटल लिखेंगे, वरना डिफ्रेंशिएट करेंगे. ऐसा ही यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड. जो बहुत सारे स्टूडेंट एक रिलेशन यूज करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ और 2 पाई अपॉन टी, ये दोनों केवल तभी सही होंगे जब ओमेगा कांस्टेंट होगा. बिल्कुल सही है, ओमेगा का फ्रीक्वेंसी एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इवोल्यूशन, एक सेकेंड में कितने चक्कर किए, और टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, एक चक्कर में कितना टाइम लगा, उससे रिलेशन है. ये रिलेशन तो कोई छोटी क्लास में ही पढ़ा हुआ होगा, ये हमेशा यूज नहीं करना. अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो ये काम में नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना. हालांकि गलती अभी भी करोगे, एक दो बार डांट पड़ेगी तब याद आएगा. ओमेगा कांस्टेंट है तब यूज होगा, या ब्रैकेट में लिख लो ओनली फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओनली फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. वैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते किसे, जिसमें ओमेगा कांस्टेंट होता है, सेम टाइम में सेम एंगल ट्रेवर्स होता है रेडियस वेक्टर का. बच्चों किसी भी बॉडी में ओमेगा तभी होगा जब उसमें वी होगा, बिना चले तो ओमेगा नहीं आएगा ना. अगर बॉडी रेस्ट में है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं आ सकता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी नहीं होगी. इसका मतलब देयर मस्ट बी ए रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा, वही है लिखो, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. बच्चों अगर मैं सिंपल वे में इसे एक्सप्लेन करूं सर्कुलर मोशन से, तो ये बहुत सिंपल एक्सप्लेन इस तरह से होगा. एक बॉडी है, उसने ये थीटा एंगल कवर किया, रेडियस आर है सर्कल में, तो हम जानते हैं एंगल इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस होता है. आर डिस्प्लेसमेंट आएगा या डिस्टेंस आएगा, करेक्ट. अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में, बेटा सर्कल है तो रेडियस तो कांस्टेंट होगा, वन अपॉन आर कांस्टेंट हो जाएगा, एल लगातार चेंज हो रहा है, तो ये डीएल बाय डीटी आ जाएगा. डी थीटा बाय डीटी ओमेगा बन गया, डीएल बाय डीटी वी, ये स्पीड है या वेलोसिटी है, स्पीड वेलोसिटी नहीं है बेटा, इंस्टेंटेनियस. दोनों चीजें सेम होती हैं, सिर्फ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड अलग होते हैं. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड कभी अलग नहीं होते, तो आप इसे कुछ भी बोलो चलेगा. तो बेटा रिलेशन आ गया, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. लेकिन अगर मोशन सर्कुलर ना हो, ये तो सर्कुलर मोशन है,
लेकिन अगर मोशन सर्कुलर ना हो तो मैं आपको पहले बता चुका हूं ओमेगा तो हो गई होगा और वी भी हो गई होगा, लेकिन रिलेशन कैसे निकालेंगे? फिर थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा काम। जैसे मान लो ये बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है, ये इसका पोजीशन वेक्टर आर है और ये इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी है। कैसे भी मूव कर रही है, बस सर्कुलर मोशन नहीं है। हम जानते हैं थोड़ा सा आगे जाएगा तो इसका एंगल चेंज होगा। ये सिर्फ समझने के लिए ध्यान रखना बच्चों। मान लीजिए बहुत छोटा सा एंगल इसने सबटेंड कर लिया, मैं दो कंपोनेंट लेता हूं वी के, किसी इंस्टेंट पर ये वाला एंगल थीटा मान लो पूरा, कहां से कहां तक, ये वाला, और ये एंगल बहुत छोटा है डी थीटा। कोशिश करना समझने की बेटा, अगर ये पूरा एंगल थीटा है और ये मैं इसके पैरेलल मान लू तो ये एंगल भी, तो वी का एक कॉम्पोनेंट, ये कॉम्पोनेंट आप समझ रहे ना कैसे होगा, ये टोटल एंगल थीटा इस टोटल एंगल थीटा के बराबर आएगा, कंपोनेंट ले लिया। मुझे बताइए जो एंगल चेंज हो रहा है इन दोनों में से किस कंपोनेंट की वजह से हो रहा है? इसको बोलते हुए तो अपन को हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है कि वी कॉस थीटा तो एंगल चेंज नहीं कर सकता, आर की वैल्यू चेंज कर सकता है। तो अगर मैं ये रिलेशन लगा दू फॉर ए स्मॉल एंगल, ऑल्दो ये सर्कुलर मोशन नहीं है, पर अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल हो तो हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। तो डी थीटा क्या आएगा, ये आप बहुत छोटा डीएल मान लो, डीएल डीएल अपॉन आर, आर अपॉन रेडियस, डी थीटा बाय डीटी आएगा वन अपॉन आर डीएल बाय डीटी, ये ओमेगा बन गया। बेटा मैं बार बार कह रहा हूं आर कॉन्स्टेंट नहीं है, सिर्फ हम उस इंस्टेंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम आर को कांस्टेंट मान सकते हैं फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। अब डीएल बाई डी डी क्या आएगा, वी आएगा, करेक्ट, वी साइन थीटा। इसका मतलब जो हमने सर्कुलर मोशन में काम किया वही काम हम यहां कर सकते हैं मोशन कैसा भी हो। तो अब मैंने इन दोनों को एक साथ डिराइव क्यों किया, इसलिए ये बता रहा हूं कि बार बार डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ये रिलेशन आप किसी भी मोशन में यूज कर सकते हैं, बस आपको वी वेलोसिटी का वो कंपोनेंट यूज करना है इस जगह, बोलो, जो आर के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि जो आर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वही एंगल को चेंज करेगा, दूसरा नहीं करेगा। तो बच्चों इसे एक बार आप दोनों चीजों को कॉपी कर लो, दिस इज ओनली इन सर्कुलर मोशन, दिस इज फॉर एनी मोशन, फिर इस पर हम क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा।
हाँ बेटा कॉपी हो गया। देखिए एक बार इसे यूज करते हैं कैसे होगा, सर्कुलर मोशन में तो आप यूज कर ही लेंगे। ये एक ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है जो मैं आपको यहां करा रहा हूं, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं ऑप्टिक्स का, है वो सर्कुलर मोशन ही। बच्चों मेरे हाथ में ये लेजर टॉर्च है, होती है अपने पास तो मैक्सिमम लोगों के पास होगी, ऐब करने के काम आती है, परेशान करने के, उसको ऐब बोलते हैं हमारे यहां, बड़ा ऐब है। तो मेरे हाथ में ये लेजर टॉर्च है, लेजर टॉर्च ऑन करते ही ऊपर एक स्पॉट बनेगा, फिर जब मैं इस टॉर्च को ऐसे टर्न करूंगा तो वो जो स्पॉट है वो सीलिंग पर मूव करेगा। आपको उस लाइट स्पॉट की वेलोसिटी निकालनी है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट जो मैं दे रहा हूं। ये हाइट 2 मीटर है, किसी इंस्टेंट पर ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये एंगल 37 है, और मैं टॉर्च को जिस एंगुलर वेलोसिटी से टर्न कर रहा हूं, ये क्या बना दिया, ये टॉर्च है, ये ओमेगा 1 रेडियन पर सेकेंड है। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये जो स्पॉट है ये इधर मूव करेगा ना, इसकी वेलोसिटी बतानी है, और ये अप्रोच यूज करोगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ लाइट स्पॉट एट दिस मोमेंट। लेजर टॉर्च वर्टिकल से 37 एंगल बना रही है, ओमेगा 1 रेडियन पर सेकेंड है, और हाइट 2 मीटर है। अगर हम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा ऊपर। मुझे ये वाला चाहिए बस, ये 37, ये 53, ये 90, ये वापस 37 होगा, तो ये आएगा v cos। बेटा मैंने आपसे कहा ना v इज इक्वल टू r ओमेगा, में v हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा v cos 37 आर। 2 मीटर लेना है या कुछ और, बेटा गौर से देखिए इस वाले डायग्राम में आर ये डिस्टेंस था, ये वाला नहीं था, हमने हाइट दिया है आपको, आर कैलकुलेट करना है, आर ये होगा कॉस 37 इज इक्वल टू 2 बाई आर। सुन रहे हैं आप, कॉस 37 कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आर आएगा 2 बाय कॉस 37, यानी कि 4 बाय 5, 10 बाय कितना 5 बाई 2। तो बेटा आर ओमेगा, आर आएगा 5 बाई 2, ओमेगा कितना है 1, कॉस 37 इज 4 बाय 5 इज इक्वल टू 5 बाई 2, तो अभी आएगा 25/8 मीटर पर सेकेंड।
इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड बता रहा हूं जिसमें हमें ये थ्योरी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। V इज इक्वल टू आर ओमेगा से नहीं करूंगा, वो एक तरह से मैथ्स है, प्योर मैथ्स। देखिए बातें नहीं करो, बस ये डिस्टेंस x मान लो, ये h वैल्यू बाद में पुट करूंगा, ये थीटा, सारी वैल्यूज बाद में पुट करेंगे हम। tan थीटा इज बोलो x इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करो dx बाय dt h कॉन्स्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन इंटू चेन रूल dx बाय dt इज वेलोसिटी ऑफ स्पॉट, डायरेक्ट भी आएगा क्योंकि कंपोनेंट लेना ही नहीं है। sec स्क्वायर थीटा को नीचे ले जाओ, cos स्क्वायर थीटा d थीटा बाय dt ओमेगा, h कितना है 2, cos स्क्वायर 37 कितना आएगा 16 बाय 25, ओमेगा कितना है 1। एक्चुअली मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, दिस इज फिजिक्स, ये फिजिक्स है और वो मैथ्स है। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स बहुत अच्छी लगती है तो उनको ये मेथड भी अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन कल किया था, सेम क्वेश्चन हम एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, आंसर भी सेम है, इसलिए मैं उसे सॉल्व नहीं कर रहा, बस बता रहा हूं क्वेश्चन क्या है। ए बॉडी इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बच्चों इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं बोला ओमेगा किसके रेस्पेक्ट में है, तो जब वो ये ना बोले किसके रेस्पेक्ट में है तो ये अंडरस्टूड है कि सेंटर के रेस्पेक्ट में है। I repeat question. A body is moving on a circular path with constant angular velocity omega. Calculate angular velocity of the same body with respect to any point on circumference. Answer बोल दो. Omega by 2. अब theta by 2 नहीं आएगा. बेटा same time में center के respect में theta angle था. और circumference के respect में theta by 2. जब same time में angle half होगा तो angular velocity भी तो हाफ होगी। लेकिन अगर हम इसे v इज इक्वल टू आर ओमेगा से प्रूव करने की कोशिश करें, बेसिक डेफिनेशन से प्रूव हो रहा है, लेकिन अगर हम इसे v इज इक्वल टू आर ओमेगा से प्रूव करें तो कैसे करेंगे? देखिए बस मैं चाहता यही हूं आपको सब कुछ आए। अगर आप फिजिक्स को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि मार्क्स लाने हैं तो नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा, कभी नहीं आएंगे। अगर आप सिर्फ इसलिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि मार्क्स लाने हैं तो नहीं आएंगे मार्क्स, लेकिन फिजिक्स को इसलिए पढ़ रहे हैं कि फिजिक्स सीखना है
तो मार्क्स अपने आप आएंगे। इसलिए कोशिश ये करनी है कि सिर्फ हमें क्वेश्चन हो गया, निपट गया, इस पर फोकस नहीं करना, उन्हें समझना है। बेटा ये V है, अब ये ना मुझे V इक्वल्स टू R ओमेगा का वेक्टर फॉर्म और लिखना, ध्यान रखना ये R है, तो सेंटर के रेस्पेक्ट में ओमेगा क्या होगा? V बाई R। अभी मैं थीटा बाई टी यूज नहीं कर रहा, V बाई R। ये क्वेश्चन में गिवन है, इक्वेशन नंबर वन। अब मुझे यहां पर कोई पॉइंट लेना है, इसके रेस्पेक्ट में मैंने एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, इसको यहां से ज्वाइन करो यार, हो जा भाई, अब हो गया। अब देखिए बच्चों, इसके रेस्पेक्ट में ओमेगा कैसे निकलेगा? मैं कोई भी एंगल अज्यूम कर लेता हूं कहीं से भी, ये मान लीजिए एंगल थीटा मान लेते हैं हम, वो कैंसिल करना है मुझे, तो इसके रेस्पेक्ट में वी का मैं ये वाला कंपोनेंट लूंगा ना। अभी अभी बताया बेटा, किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको ओमेगा लेना है तो उसके रेस्पेक्ट में जो आर होता है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। ये एंगल थीटा अगर मैंने मान लिया तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर थे, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये वापस, तो ये वी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ओमेगा डैश, ओमेगा डैश इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेम बॉडी विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, आएगा v cos थीटा अपॉन r डैश। अब ये r डैश क्या है? इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका रेडियस, ये टोटल लेंथ r डैश है। आंसर आ गया बच्चों, r डैश की वैल्यू निकाल लो, ये थीटा है, ये r है, तो ये r sin थीटा, ये r cos थीटा होगा, ये r cos थीटा है तो ये भी r, तो r डैश क्या होगा? 2R cos theta, cos theta cut, V by 2R, और V by 2R कितना है? और अगर आपको क्वेश्चन इजी बनाना है, बहुत इजी, तो आप सिर्फ ये पॉइंट यहां ले लो डायमेट्रिकली अपोजिट, तो ये वर्बल हो जाएगा। कैसे? अक्सर लोग ये वाला सॉल्यूशन बताते हैं, देखना बेटा, सेंटर के रेस्पेक्ट में ओमेगा होगा वी बाई आर, इक्वेशन वन। फिर अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट ले लूं तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी तो वी ही रहेगी, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में रेडियस, हम जब ये पहले सॉल्यूशन बताते हैं तो 80-90% तो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो आंसर निकालने से मतलब, लेकिन 10% बच्चे जो थोड़े से अच्छे होते हैं, कर्सिटी होती है कि यार, तो वो टोक देते हैं कि सर ये तो इजी हो गया, आपने डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट क्यों लिया, कोई भी रैंडम पॉइंट लीजिए, तो ये मेन सॉल्यूशन है। तो बच्चों हर तरह से हम इस क्वेश्चन को कर चुके, सर्कमफेरेंस के रेस्पेक्ट में थीटा हाफ होगा तो ओमेगा हाफ होगा, वहां से भी निकाल दिया, यहां से भी निकाल दिया, यहां से भी निकाल दिया, ये सब ज्योमेट्री बेस्ड है। तो वेक्टर फॉर्म लिख लो इसका, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है, r क्रॉस ओमेगा नहीं होता, ध्यान रखना। डू फास्ट बेटा, धीरे धीरे हमें स्पीड लानी पड़ेगी, मैकेनिक्स में फंडामेंटल्स जितने भी हैं मैक्सिमम हम करा चुके, मैकेनिक्स में अब एप्लीकेशंस आएंगे, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन,
इनमें पीछे सीखे हुए चैप्टर्स काम आने वाले हैं थोड़े थोड़े। तो वेक्टर फॉर्म लिखो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा वेक्टर फॉर्म है। बच्चे सर्कुलर मोशन में तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, कैसे? ये देखो, ये वेक्टर तो वेक्टर आर होता है। हाँ, एक चीज डिस्कशन करना रह गया, ये जो ओमेगा होता है ना, ये वेक्टर होता है, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है? जिसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। अगर ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ओमेगा बाहर होगा, आउटवर्ड, और अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इनवर्ड होता। अब आप देखो ये रिलेशन बिल्कुल सही है या नहीं है, कैसे पता लगाओगे? ओमेगा बाहर है, ये मैंने फैन बाहर लगा दिया, हमें पता है फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ टर्न करने पर वी आना चाहिए, तो फर्स्ट वेक्टर बाहर है ओमेगा, ओमेगा को कहां टर्न करना है? आर की तरफ। तो ओमेगा बाहर है, आर की तरफ टर्न करेंगे तो वी तो नीचे आ रहा है, गलत हो गया। क्या गलती की मैंने? आर अंदर नहीं, आर बाहर है। तो ये ओमेगा ऐसे ऐसे खड़ा होना पड़ेगा, ओमेगा बाहर है, आर ओमेगा आउटवर्ड है, आर इधर है, थंब ऊपर आएगा। अब सही हुआ है, तो इससे पता लगता है कि आर क्रॉस ओमेगा नहीं लेना, हमें ओमेगा क्रॉस आर लेना है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन जो हम पहले से जानते हैं। एक और बात बतानी है, ओमेगा में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीजों को पढ़ाने में। बच्चो दो पार्टिकल हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में मूव कर रहे हैं, ए एंड बी। इसकी वेलोसिटी है ओमेगा ए और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा बी, और किसी इंस्टेंट पर रेडियस और बता दो, इसका रेडियस स्मॉल ए है और बाहर वाले का रेडियस स्मॉल बी। ये स्मॉल ए है और ये पूरा स्मॉल बी। किसी इंस्टेंट पर आपको दोनों की पोजीशन दिख रही है, इस इंस्टेंट पर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए नहीं होगा। क्योंकि ये होता तो मैं क्वेश्चन नहीं पूछता, ये सब तो आता है। बच्चों एंगुलर वेलोसिटी रिलेटिव ऐसे नहीं निकालते जैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करना है? बता रहा हूं, सुनो सीरियसली बेटा। एक्चुअली एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कि जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है, उसके रेस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल एक सेकेंड में कितना एंगल चलेगा। जैसे इस डायग्राम के अलावा मैं बना रहा हूं, ये पार्टिकल v1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये पार्टिकल v2 वेलोसिटी से जा रहा है। जब हम जैसे हम सेंटर के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं तो सेंटर के रेस्पेक्ट में एंगल देखते कितना चलेगा एक सेकेंड में। तो ये इसे ऑब्जर्व कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल आएगा v वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल डिवाइडेड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल। बेटा इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है
और अगर ये डिस्टेंस d है तो इसके रेस्पेक्ट में इसका r d होगा। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल। समझो इसे, अब यहां आते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, रेडियस ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो बेटा ये आएगा वी बी माइनस वी ए, आर बी माइनस आर ए। अब ये आएगा वेलोसिटी ऑफ बी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी कैसे निकलेगा? सेंटर तो फिक्स है ना, तो वी बी इज इक्वल टू आर बी ओमेगा बी। बी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो वी बी क्या आएगा? आर बी। आर बी कितना है? बी ओमेगा बी माइनस ए ओमेगा ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। आंसर तो ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए सीधा नहीं करते, इस तरह से निकालते हैं। जैसे एक चीज और एक्सप्लेन करता हूं मैं, जैसे ये आप इसको देखो, ये वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये भी वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है। एक बार सुन तो लो, ये दोनों आमने सामने हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से पैरेलल चल रहे हैं। बस मुझे एक बात बता दो, ऑल्दो इनकी तो रिलेटिव वेलोसिटी भी जीरो ही है, पर इसके रेस्पेक्ट में ये एंगल चेंज होगा, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये टर्न करेगा क्या? तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जीरो है। अगर ये v से जा रहा है, ये 2v से जा रहा है, तो ये ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट में मानेगा, तब इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी ओनली v। अब जो एंगल चेंज होगा इसका, वो v इस रेट से चेंज होगा और r ये आएगा। और सोचो तीसरा एग्जाम्पल, अगर ये v से नीचे आ रहा है, ये v से ऊपर जा रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये 2v से ऊपर जाएगा, तो इसके नीचे आने की वजह से भी एंगल चेंज होगा, इसके ऊपर जाने की वजह से भी, तो एंगल डबल चेंज होगा। इसलिए इसके रेस्पेक्ट में उसकी एंगुलर वेलोसिटी आएगी 2v अपॉन r। अगर ये v1 से नीचे आता, ये v2 से ऊपर जाता, तो एंगुलर वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में क्या आती है? उसकी v1 प्लस v2 बाई आर। हाँ, कहाँ आ रही है? जीरो आ रहा है, आ रहा है, बताओ इससे जीरो आ रहा है क्या? नहीं, पहले तो ये बताओ, अगर दोनों का ओमेगा मैं सेम ले लूं, भाई ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू सेम तो ले सकता हूं मैं, तो अगर ये दोनों ओमेगा सेम होता तो ये ओमेगा कॉमन आता, बी माइनस ए आता, बी माइनस ए आता, तो आंसर जीरो नहीं आता, कितना आता? ओमेगा।
इसने जो बोला है ना, मैं उस चीज को पकड़ रहा हूं। एक तो ये कॉपी किया है कर लो यार, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों तो हमें इस ब्रेक में ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता, तो प्लीज आप लोग मुझसे टाइम अलग से ले लीजिए शाम का या कभी भी, अगर आप रियल में प्रॉब्लम कर रहे हैं और इसे टाइम पास करने के लिए बहाना बना रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन जिसकी रियल में प्रॉब्लम है वो टाइम ले सकता है। देखो वो ही बेटा, मुझे बहुत ज्यादा इन चीजों की चिंता होती है, मैं कितनी बार क्लॉक देख चुका, आपने देखा नहीं, एक एक मिनट ध्यान रखता हूं मैं। अब ये लड़का कह रहा है कि सर अगर ये दोनों का ओमेगा सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो आने चाहिए, क्योंकि ये अधूरा बोला था सर, इसके रेस्पेक्ट में चल नहीं रहा, गलत बोला। बेटा सुनो, अगर ओमेगा सेम है तो इन दोनों का वी सेम नहीं होगा। मैं मान लेता हूं ये रेडियस ए है और ये रेडियस टू ए है, तो अगर ओमेगा सेम होने पर ये वेलोसिटी वी आएगी तो ये टू वी आएगी। वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, आर डबल है तो वी भी। अब ये वी से आगे जा रहा है और ये टू वी से, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर डेफिनेटली चेंज होगा, इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर टर्न करेगा, तो ओमेगा जीरो नहीं आएगा। अब तुम इतना लंबे मेथड से मत निकालो, फंडामेंटल मेथड से निकाल लो। इसका रेडियस ए है, ये टू है, ये वी है, ये टू वी है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, वी, और इसके रेस्पेक्ट में इसका रेडियस कितना आएगा, ए, तो आंसर आएगा वी बाई ए, रिलेटिव ओमेगा, और वी बाई ए अल्टीमेटली कितना है, ओमेगा। यहां से भी ओमेगा निकला, वहां से भी ओमेगा निकला, क्योंकि अल्टीमेट हमने ये जो वैल्यू निकाली है ये कोई फार्मूला नहीं है, ये भी तो उसी मेथड से किया गया एक सॉल्यूशन था। बाकी डिस्कशन कल, अगला टॉपिक लिखो एंगुलर एक्सेलरेशन।